सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने सोमवार को संन्यास का ऐलान कर दिया। मलिक ने कहा कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद वो वनडे क्रिकेट से संन्यास लेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि फिटनेस के अनुसार वो T20 में खेलना जारी रखेंगे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक ने 1999 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। शोएब ने 261 वनडे मैचों में 35.22 की औसत से 6,975 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 51 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं 35 टेस्ट मैचों में 1,898 और 98 T20 में 1,989 रन बनाए हैं। इसके अलावा शोएब ने वनडे में 38.66 की औसत से 154 विकेट लिए हैं। शोएब ने सभी फॉर्मेट को मिलाकर पाकिस्तान की ओर से 56 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें 36 मैच में जीत और 18 में हार मिली है। बता दें कि शोएब मलिक ने टेस्ट क्रिकेट में 2015 में ही संन्यास ले लिया था। इंग्लैंड के खिलाफ 245 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद शोएब ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।